गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसी। ठीक है, तो ये फोर्थ चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का। तो ये चार चैप्टर के बाद क्लास ट्वेल्थ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप MSCET की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर का पूरा कंटेंट चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2007 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू। द करंट विल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं कि वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, प्योरली कैपेसिटिव होगा, या प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा, या RC सर्किट होगा। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि बोल रहा है करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट जो है पीछे जा रही है, लैग कर रही है विद वोल्टेज। तो अगर करंट का इक्वेशन ये है I = I0 sin ωt, तो अगर ये प्योरली इंडक्टिव केस मान चलते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो EMF क्या होता है, EMF इन द केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट -LdIdt। ठीक, तो यहाँ पे मॉड जो भी आएगा -LdIdt, तो यहाँ पे माइनस का मॉड लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो L into di/dt, I हमें पता है, बस एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 sin ωt का क्या हो जाएगा, cos ωt, फिर ωt का ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, I0 ωt, ठीक, इंटू एल। ये आपके पास EMF E हो गया, E = E0 cos ωt। ये है साइन में, ये है कॉस में। चूँकि मुझे चाहिए दोनों या तो साइन में रहें या दोनों कॉस में रहें, तभी हम लैग करेगा या लीड करेगा इसके बारे में बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉस को हम क्या बना लेंगे, साइन बना लेंगे। तो हमारे पास जो वोल्टेज का इक्वेशन आएगा, voltage = E0 cos को लिख सकते हैं sin ωt + π/2। ठीक, ωt + π/2 का मतलब क्या है कि ये sin 90 + θ बराबर क्या हो जाएगा, cos θ। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होती, पॉजिटिव होती वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है विद फेज डिफरेंस कितना है, π/2, विद फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, π/2। तो करंट क्या हो रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है π/2 से और करंट लैग कर रही है π/2 से। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ओनली एल। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं, समझ में आया अच्छे से। तो आप प्रीवियस ईयर का कंटेंट बनाते चलें, अभी CET का एग्जाम थोड़ा ये मान चलें कि अगस्त के बाद सितंबर के आसपास होने की उम्मीद है। फिलहाल जुलाई अगस्त में तो कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, एज पर जैसा कि अभी चूँकि बोर्ड एग्जाम भी अभी आपके हुए नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करते हैं, इन एसी सर्किट द ईएमएफ एंड करंट एट एनी इंस्टेंट आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय। दो इक्वेशन दिया है, एक तो ईएमएफ की इक्वेशन दिया है, दूसरी किसकी दिया है, करंट की इक्वेशन दिया है। एवरेज पावर पूछ रहा है, एवरेज पावर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो पावर एवरेज होता है, पावर एवरेज उसके बारे में आप जानते हैं क्या, VRMS into IRMS cos ∅। यहाँ पे एक इसको cos ∅ क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो यहाँ पे VRMS और IRMS हमें लिखना है। देखें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, VRMS ये इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज और इसको क्या बोलते हैं, पीक करंट। तो अगर आपको VRMS लिखना है, VRMS तो V0/√2 होता है, V0/√2। सिमिलरली अगर IRMS लिखना है, IRMS लिखना है, तो I0/√2 होता है, पीक करंट डिवाइडेड बाई रूट टू। तो यहाँ पे E0 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, E0/√2। यहाँ पे I0 है, तो यहाँ पे I0/√2। तो हमें VRMS पता हो गया, IRMS पता हो गया, और cos phi इनके बीच में जो फेज एंगल है उसको क्या, वो ये इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर।
ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको पता है कि ये वी आर एम एस हमें पता है वी नॉट ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फाई, ठीक है। फाई जो है फेज डिफरेंस है, इनके इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस फाई का फेज डिफरेंस है, तो कॉस फाई लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट इंटू आई नॉट बाई टू कॉस ऑफ फाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पावर एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा चार ऑप्शन में कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस ऑफ फाई। सो स्टे ट्यून विल डू फ्लाई जे नी 2009 MSCET। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड से बात करते हैं, इन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट दिया है, ईएमएफ दिया है और करंट का इक्वेशन दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड का जो अभी बेसिक आपने सीखा उसी पे करेंगे क्वेश्चन। पावर कंज्यूम्ड जो एवरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। अब वी आर एम एस और आई आर एम एस कैसे निकालेंगे उसका भी पता है, ये क्या है आपके पास वी नॉट पता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वन है, आई नॉट की वैल्यू क्या है ये वन है, तो यहाँ पे वी आर एम एस क्या हो जाएगा 200 बाई रूट टू इंटू आई आर एम एस क्या हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू आपने पढ़ा, तो यहाँ पे वन अपान रूट टू इंटू कॉस फाई। अगर इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो बेसिक ये जो वैल्यू है यही क्या है फाई है, कॉस फाई की वैल्यू रखें कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 200 बाई टू कॉस 60 मीन्स क्या होता है कॉस 61 बाई टू, ऑलराइट। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 200/4 मतलब 50, तो हमारे पास जो पावर एवरेज की वैल्यू आई 50 वाट, ये अपना सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 50 वाट। कभी भी आपको जब भी आपको पावर एवरेज का क्वेश्चन मिले तो आप इसी तरीके से ट्राई करना है कि फेज डिफरेंस कितना है, उसका आरएमएस वैल्यू क्या है, पावर वीआरएमएस क्या है, आईआरएमएस क्या है, फिर आप वहां पे इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आप सारी वैल्यू प्लेस करेंगे, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर फोर से बात करते हैं, 2009 में तीन तीन क्वेश्चन आए हैं अल्टरनेटिंग करंट से, तो इसके लिए आप सावधान रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर से क्या बोल रहा है, इन ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, इज कनेक्टेड 1 microfarad कैपेसिटर थ्रू एसी एमीटर, द रीडिंग ऑफ एमीटर सेल बी। तो जब एसी ऑफ एमीटर पूछा है मतलब वो आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा, अगर वो आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा तो इसका मतलब आई आरएमएस जो आपने पढ़ा है आई आरएमएस बराबर IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी VRMS डिवाइडेड बाई XC, कौन सा है आपके पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ पे XC आ जाएगा, ठीक है। अब XC बराबर 1/ωC, XC बराबर 1/ωC, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे VRMS डिवाइडेड बाई XC की जगह 1/ωC रखेंगे तो ωC ऊपर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू दिया है ये है वी नॉट, ये पीक वोल्टेज है, समझ में आ रहा है ना, ये पीक वोल्टेज है। अगर पीक वोल्टेज आपको पता है तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हो, वी नॉट बाई रूट टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 200 रूट टू हो जाएगा, ठीक है। ये वी आरएमएस आ गया इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक देखें, यहाँ पे ओमेगा टी दिया है, ओमेगा टी वी नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पता है कितना 100, ठीक 100 इंटू सी की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू दिया है 1 microfarad 1×10⁻⁶, ठीक है फैरड दिया है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 10⁻⁴ हो गया, इसका मतलब 200×10⁻⁴, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर यहाँ पे ये वैल्यू लिखना चाहें तो 2×10⁻², लिखा जा सकता है इतना एम्पियर,
IRMS की वैल्यू इतना एम्पियर आ गया। अगर एम्पियर पता है मिली एम्पियर, चूंकि ऑप्शन जो दिए हैं सारे ये मिली एम्पियर में हैं, अगर मिली एम्पियर में चेंज करना होगा तो यहाँ 10^-3 चाहिए। -3 कैसे मिलेगा, यहाँ पे 10^-3 चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे, 20 × 10^ ऐसे लिख सकते हैं, 20 × 10^-3 इसको लिख सकते हैं। 10^-2 तो था ही, एक पावर यहाँ बढ़ाए, एक पावर यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 20 मिली एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको करंट निकालने का, ठीक है, नोट डाउन करते रहें। और ये सीरीज 15 जून जो आपसे डेडलाइन प्रॉमिस किया हूँ, उसी 15 जून तक ये मैं पूरा ये PYQ कंप्लीट करके कुछ नया मॉड्यूल ले आऊँगा जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो कि आप थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, उसमें बस फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट को ही बताएंगे, ठीक है, हर चैप्टर का। तो वो भी आएगा बेसिक फंडामेंटल, तो वो भी लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, द सेम करेंट इज फॉलोइंग इन टू अल्टरनेटिंग सर्किट, द फर्स्ट सर्किट कंटेंस ओनली इंडक्टेंस, अदर कंटेंस ओनली कैपेसिटेंस। एक इंडक्टर कंटेंट किया है एक सर्किट, दूसरा कैपेसिटर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF ऑफ AC इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी अगर कह रहा है कि बढ़ाया गया है तो इफेक्ट ऑफ करंट क्या होगा, करंट पे क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। तो हमें पता है कि अगर आपके पास, अगर IC की बात करें, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो V0/XC हो जाएगा। अगर हम IL की बात करें तो यहाँ पे VL/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। अब XC और XL के बारे में आपको पता है, XC बराबर होता है 1/ωC, ठीक, और XL के बारे में आपको पता है ωL, XL बराबर ωL। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VL/VC है तो यहाँ पे VC लिख दें, VC/XC की जगह, XC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/ωC, तो ωC ऊपर चला गया। ऐसे VL/XL की जगह पे ωL आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें देखें तो ये आपके पास ये L है और ये वाला C है, तो यहाँ पे क्या चीज़ बढ़ाया जा रहा है, यहाँ बढ़ाया जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, बढ़ाया जा रहा है AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं, तो ओमेगा की जगह पे 2πf लिख दिया, यहाँ भी क्या लिख दिया, 2πf। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, f की वैल्यू बढ़ेगी तो पक्का घटेगा, मतलब XC, ये जो आपके पास IL है, कौन सा, IL की वैल्यू डिक्रीज होगी, और IC की वैल्यू, चूँकि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, उसमें अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो IC की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें करंट बढ़ेगा, और जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसमें करंट क्या होगा, घटेगा। तो इसमें देखते हैं, पहले कौन सा इंडक्टिव है, इंडक्टिव में घट रहा है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ डिक्रीजेस बोथ इंक्रीजेस, इंक्रीजेस फर्स्ट डिक्रीजेस, इस तरीके से। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पहला इंडक्टर है, दूसरा क्या दिया है, कैपेसिटर दिया है, तो पहले डिक्रीज करेगा फर्स्ट वाले में, और दूसरे में अदर में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद डीडी साई जेई नीट, मेरे प्यारे बच्चों, 2010 MSCET प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 से बात कर रहे हैं, द एवरेज पावर ऑफ LCR सर्किट डिपेंड्स ऑन, चार ऑप्शन दिए हैं। एवरेज पावर के बारे में आप अभी आपने सीखा, जो एवरेज पावर होती है वो VRMS × IRMS cos of phi। अब ये cos phi, VRMS, IRMS और cos phi, cos phi मतलब पावर फैक्टर, ठीक। अब ये चार ऑप्शन दिए, कह रहे हैं करंट पे नहीं, प्योर करंट पे नहीं डिपेंड करता, क्या फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, नहीं बिल्कुल नहीं, EMF पे भी नहीं, करंट पे भी डिपेंड करता है, EMF पे भी डिपेंड करता है, और फेज डिफरेंस तीनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है।
तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2010 का क्वेश्चन था, 2011 की बात कर रहे हैं। करे इन LCR सर्किट द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस पावर फैक्टर जो होता है R बाई जेड होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई, ये क्या है R बाई जेड होता है। अब यहाँ पे जेड के बारे में अगर आपके पास L भी है, C भी है, R भी है और सर्किट रेजोनेंस पे है, सर रेजोनेंस का मतलब क्या है, व्हेन XL इक्वल टू XC, ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है R बाई जेड, जेड मतलब क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, अब मुझे ये पता है जब XL XC दोनों बराबर हैं, रेजोनेंस की कंडीशन बता रहा है क्वेश्चन में, इस केस में ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ R बाई R आ जाएगा, जिसका R बाई R कॉस ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो गई, R बाई R इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब जो कॉस फाई है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिटी, पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, 2010 में दो ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें इन LR सर्किट, सिर्फ L है और R है, मतलब इस तरीके से कुछ सर्किट है, पहले R है फिर इंडक्टर है और यहाँ से कुछ AC सोर्स जुड़ा है। ठीक, करें कि 3 मिली हेनरी, इसकी वैल्यू 3 मिली हेनरी है L की वैल्यू, एंड 4 ओम जो है ये रजिस्टर्स की वैल्यू है, EMF का इक्वेशन दिया है E बराबर 4 cos of omega 1000 t, इस तरीके से दिया है, वोल्टेज अप्लाइड इन एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछ रहा है, करंट की वैल्यू क्या होगी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट अगर यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि I वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई I नॉट, अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो V नॉट डिवाइडेड बाई जेड। अब V नॉट डिवाइडेड बाई जेड मतलब अगर R भी है L भी है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस, यहाँ पे L है मतलब XL, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL, XL होल स्क्वायर। अब XL बराबर ओमेगा L होता है, यहाँ पे V नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब V नॉट की वैल्यू क्या पता है, V नॉट का जो इक्वेशन ये है V नॉट अपने पास, तो ये है वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या दिया है 4 ओम दिया है, ठीक है, 4 ओम प्लस XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा की बारे में हमें यहाँ दिया है ओमेगा बराबर 1000, अगर ऐसे कंपेयर करें इक्वल टू E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा T, तो ओमेगा की वैल्यू क्या दिया है 1000, तो यहाँ आप लिखेंगे 1000 इंटू एल के बारे में 3 मिली हेनरी, ये मिली का मतलब होता है 10 to the power -3, 3 × 10 to the power -3, तो ये वाला पूरा फैक्टर कट जाएगा, तो इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 plus 16 25 का रूट 5 आ जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा, 4/5 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8 आ जाएगी, 0.8 एम्पियर, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 8 था जो कि 2011 में आया हुआ है, सो स्टे ट्यून विल डू फ्लाई जे इन इट 2012 MSCET 2012 का क्वेश्चन है, AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, कौन सा पीक वैल्यू मेजर करती है, RMS वैल्यू मेजर करती है, एनी वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो चाहे वो AC वोल्टेज वोल्टमीटर हो या AC एमीटर हो, ठीक है, सब के सब RMS वैल्यू मेजर करते हैं, ये पीक वैल्यू नहीं मेजर करते न एवरेज वैल्यू, सब के सब RMS वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। 2012 का ही क्वेश्चन है, दी क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट इज इक्वल टू, क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं या क्यू फैक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर क्यू होता है वो होता है XL बाई R, अब XL बराबर ओमेगा L होता है डिवाइडेड बाई R,
अब ओमेगा क्या होता है, एट रेजोनेंस बोला है, रेजोनेंस में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा एट रेजोनेंस ओमेगा XL इक्वल टू XC हो जाता है, ठीक है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, XL इक्वल टू XC। अब XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C, तो यहाँ पे हो गया ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान LC, या ओमेगा की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट ऑफ L इंटू C, ये तो ओमेगा आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा की जगह 1 अपान अंडर रूट ऑफ L इंटू C, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, एल डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, एक तो एल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एल बाय सी 1 बाय आर, तो 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ एल बाय सी, 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ एल बाय सी, ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, एक्सेल एक्सेल बाई आर ये क्या है, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। 2012 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन, स्टेप डाउन का मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास ये है प्राइमरी कॉइल, यह है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी इन एसी इनपुट, यहाँ पे होता है ट्रांसफार्मर कोर, और यहाँ क्या नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो आपके पास ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल अगर हम लिखना चाह रहे हैं, तो डी फाई पी बाई डी टी, अगर हम ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल लिखना चाह रहे हैं तो डी फाई एस डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहाँ पे अगर दोनों को डिवाइड, फाई पी फाई ये क्या है, फाई क्या है, एन इंटू ईच टर्न, एन इंटू डी फाई पी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन इंटू डी फाई पी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन इंटू डी फाई एस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एन पी है, ये एन एस है, इसका मतलब क्या है, कि अगर हमें EMF of primary upon EMF of secondary लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, NP by NS, तो यहाँ पे NP by NS, तो अगर ये step down का मतलब होता है, step down का मतलब क्या है कि secondary में voltage ज़्यादा है, step down secondary में voltage कम है, primary में ज़्यादा है, मतलब ये वाली value क्या है, step down का मतलब primary में voltage क्या है, ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ पे एक अगर हम सेकेंडरी में लिखना चाह रहे हैं तो चेंज इन इसमें लिखेंगे, प्राइमरी में यहाँ पे एन एस होगा, यहाँ पे एन पी होगा, ठीक है, यहाँ पे फाई एस होगा, यहाँ पे फाई पी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एन एस बाई एन पी होगा, इसका मतलब स्टेप डाउन का मतलब है सेकेंडरी में कम है प्राइमरी में ज़्यादा है, तो इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर ये प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है तो इसका इसकी वैल्यू क्या है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, तो इसका मतलब प्राइमरी आर लेस, तो प्राइमरी में इसका मतलब क्या है, लेस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, कह रहे हैं कि अ चोक कॉइल इज यूज एज अ रेजिस्टेंस इन, चोक कॉइल कहाँ यूज होता है, अल्टरनेटिंग सर्किट में, एसी सर्किट में, ठीक है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन सप्लाई इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी कितनी सप्लाई होती है, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हो 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है इंडिया में स्पेशली, ठीक है, तो और यूएसए में 60 हर्ट्ज की सप्लाई होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई जो है वो इंडिया में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश ये करूँगा कि जब 15 जून के पहले पहले ही आपका ये MSCET प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट कर लूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कहीं पे भी ज़रूरत पड़े मेरी आप बस एक कमेंट करिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, बस ये रेक्टिफाई कर दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।